फ्रेंड्स, मैं कई दिनों से वीडियो बना रहा था कि आपको वीडियो एडिटिंग का कोर्स सिखाने वाला हूं अपने चैनल पर बिल्कुल फ्री में। तो दोस्तों, ये है वीडियो एडिटिंग कोर्स फ्री में जो सीखेंगे आप, उसका पार्ट वन। यानी कि फ्रेंड्स, आप लोगों ने कमेंट किया था कि भाई काइन मास्टर से आप सबसे पहले वीडियो एडिटिंग कोर्स को स्टार्ट कीजिए। तो दोस्तों, मैं काइन मास्टर पार्ट वन लेकर आ चुका हूँ, बिल्कुल फ्री कोर्स। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको काइन मास्टर की पूरी फुल सेटिंग बताऊंगा और दोस्तों उसे ओपन करके बताऊंगा। आप लोग उसे ओपन भी नहीं कर पाओगे फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को फुल वॉच नहीं करते हो। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई तो यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं मैंने अभी अपने फ़ोन में कोई भी काइन मास्टर इंस्टॉल नहीं किया है। अभी मैं आपको इंस्टॉल करूंगा और आपके सामने उसे ओपन करके दिखाऊंगा, उसकी फुल सेटिंग बताऊंगा। तो दोस्तों, मैं चलता हूं अपने काइन मास्टर यानी कि अपने फ़ोन के फाइल मैनेजर में। फाइल मैनेजर में आने के बाद फ्रेंड्स, मैं उस ऐप को इंस्टॉल करता हूं, उसके बाद आपको ओपन करके दिखाऊंगा। तो सिंपल से मैं यहां पे देख सकते हैं काइन मास्टर 4.16.4, इसे मैं सिंपल से यानी कि ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपको दिखाऊंगा, इसे मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ फ्रेंड्स। इंस्टॉल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ मैं। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में 4.16 से वीडियो एडिटिंग सिखा रहा हूँ। इसी वीडियो में फ्रेंड्स, आगे मैं 4.13 वाले से बताऊँगा, क्योंकि फ्रेंड्स आप जब यानी कि जब जैसे ही टाइम बीतता जाएगा, थोड़ा ओल्ड होगा ये, तो आपको फुल अनलॉक में मिल जाएगा। आप इसकी पूरी सेटिंग जाने रहिए और आप इसे कैसे ओपन करेंगे, इसे कैसे यूज करेंगे, सब कुछ इस वीडियो में जाने रहिए, ताकि आपको आगे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो सिंपल से यहाँ पे देख सकते हैं इंस्टॉल हो चुका है काइन मास्टर। मैं सिंपल से यहाँ पे ओपन का ऑप्शन है, ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसे ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे ओपन का ऑप्शन का है, इस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही क्लिक करूँगा, ये ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा। ये थोड़ा इस टाइप से आ गया। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, ओपन के ऑप्शन पर ओपन करेंगे इस काइन मास्टर को, तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ से सिंपल से इसे ओके कर देना है। जैसे ही आप फ्रेंड्स ओके करेंगे, आपको अलाउ मांगेगा, आपको सिंपल से अलाउ कर देना है। इसकी जो अलाउ यानी कि फ्रेंड्स इसका जो नियम है, आप इसे फॉलो कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसी पर आप लोग आकर रुक जाते हैं और इसे ओपन नहीं कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, नीचे मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे नीचे देख सकते हैं 4 डॉट है, यानी कि फ्रेंड्स 4 प्रकार के डॉट हैं। इसको जब आप क्लिक करेंगे, यानी कि क्लिक नहीं करना है फ्रेंड्स, इस पहले यानी कि दूसरे डॉट पर आप क्लिक करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। आपको यहाँ पर उंगली रखना है और ऐसे खींचना है, देख सकते हैं मैं जैसे कर रहा हूँ। फिर से आपको यहाँ पर करना है, 3 बार करना है फ्रेंड्स, जैसे आखिरी डॉट पर जब आकर रुक जाए। 2 बार हो गए फ्रेंड्स, मैं आखिरी बार ऐसे कर रहा हूँ, देख सकते हैं लास्ट बार इस पर ऐसे किया। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं स्टार्ट का ऑप्शन आ चुका। जैसे ही स्टार्ट का ऑप्शन आएगा, आपको सिंपल से स्टार्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप स्टार्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ये 100% ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने कुछ फाइल्स भी बनाया था, यहाँ पे ऐड आ रहा है, यानी कि फ्रेंड्स ये अभी फुल अनलॉक नहीं है। 4.16 जो काइन मास्टर है, ये वर्जन अभी अनलॉक नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इसे कट कर देता हूँ। फ्रेंड्स, जैसे ही आप स्टार्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। जैसे ही इंटरफेस ऐसा आ जाए, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको प्लस का आइकन है, इस पर नहीं क्लिक करना है अभी। अभी मैं इस पार्ट में आपको क्या कहा था मैंने, कि आपको इसकी फुल सेटिंग बताऊंगा और इसे ओपन करके बताऊंगा। सो मैंने ओपन करके आपको बता दिया फ्रेंड्स, और यहाँ पे आपको सेटिंग बताने जा रहा हूँ। तो सिंपल से यहाँ पे सेटिंग का आइकन है, देख सकते हैं, इस पर सिंपल से क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही क्लिक करूँगा, यहाँ पर फुल सेटिंग यहाँ पर ओपन हो जाएगी काइन मास्टर की। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे फर्स्ट पर माई इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन है, इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे, तो यहाँ पे काइन मास्टर का जो इन्फॉर्मेशन है, ये आपको बताएगा कि फुल अनलॉक है या नहीं। आप इसमें अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड से साइन इन भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। साइन इन करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स आप अनलॉक से काम कीजिएगा, कोई पासवर्ड इसमें नहीं डालिएगा, नहीं तो आपका फ़ोन भी हैक हो सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं चला जाता हूँ बैक, और यहाँ से दूसरा आपको दिखाता हूँ अबाउट काइन मास्टर के ऑप्शन पर क्लिक करके। जैसे ही मैं अबाउट काइन मास्टर पर क्लिक करूंगा फ्रेंड्स, ये काइन मास्टर का जो वर्जन है आपके सामने लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं 4.16.4.18, और यहाँ पे देखते हैं 89, और यहाँ पे आप फ्रेंड्स इसका वर्जन देख लीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स, मैं चला जाता हूँ बैक और आपको तीसरा ऑप्शन दिखाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं डिवाइस कैपेबिलिटी इन्फॉर्मेशन, तो सिंपल से इस पर क्लिक करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो फ्रेंड्स, इसमें क्लिक करने के बाद डिवाइस इन्फॉर्मेटली
इनफॉर्मेटिवली, यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा आपका। जब यानी कि फ्रेंड्स, इसमें आपको अगर प्रॉब्लम हो रही है, एक्सपोर्ट नहीं हो रही आपकी वीडियो एक्सपोर्ट फ्रेंड्स किसी भी रेजुलेशन पर, या फिर 720, 1080, 540, 360 फ्रेंड्स, अगर आपका कोई भी रेजुलेशन आप करके एक्सपोर्ट कर रहे हैं वीडियो को, तो आपकी वीडियो एक्सपोर्ट नहीं हो रही है, तो आपको इस सेटिंग पर आना है, डिवाइस कैपेबिलिटी इन्फॉर्मेशन, इस पर आकर क्लिक करना है और यहाँ पे 3 डॉट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप 3 डॉट पर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे रन एनालिस्टिक्स का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे फिर से आपको रन एनालिस्टिक्स नाउ का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे फ्रेंड्स रन एनालिस्टिक्स नाउ पर, तो आपको यहाँ पे इसे वेट करना है फ्रेंड्स। आपके फ़ोन को लॉक नहीं होना चाहिए, आप किसी अदर ऐप को यूज मत कीजिएगा इसे ऐसा करते हुए। तो फ्रेंड्स मैं सिंपल से इसे करने देता हूँ, उसके बाद मैं सिंपल से थोड़ा वीडियो को रोक देता हूँ, ये थोड़ा टाइम ले सकता है। फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं ये रन एनालिस्टिक्स मैंने कैंसिल कर दिया है, इसलिए फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क मेरा जो है वो स्लो बहुत सा। तो फ्रेंड्स मैं सिंपल से यहाँ से बैक चला जाता हूँ, बैक आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट ड्यूरेशन ऑफ फोटो क्लिप का ऑप्शन मिलेगा, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे आपको इसे 5 कर देना है, चाहे तो आप 5 कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स इसके अलावा आप कोई भी मत कीजिएगा, नहीं तो आपकी जो वीडियो क्वालिटी है या फिर कोई भी फ़ोटो आप सेलेक्ट करेंगे अपनी गैलरी से जा करके, तो आपकी जो फ़ोटो है वो उसकी क्वालिटी बहुत ही ख़राब हो जाएगी। फ्रेंड्स आप इसके अलावा 5 के अलावा आप इसमें कुछ भी मत कीजिएगा, मैं सिंपल से 5 पर रहने देता हूँ 5 सेकेंड। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं डिफ़ॉल्ट पेन जूम मेड जूम मोड फॉर ए फोटो क्लिप, यानी कि फ्रेंड जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो फोटो है गैलरी से आप से यहाँ पे लाएंगे किसी वीडियो को एडिट करने के लिए, फोटो यहाँ पे लगाने के लिए, तो इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फिल स्क्रीन जब कर देंगे फ्रेंड्स, वो फोटो का ड्यूरेशन जो है अच्छा था हो जाएगा, यानी कि जो उसका जूम आउट होता है, यानी कि जो जूम आउट होने लगती है फोटो, तो वो नहीं होगी, एक जगह स्थिर रहेगी। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ड्यूरेशन ऑफ ए लेयर का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से इसे भी 5 कर देना है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ से इसे भी 5 कर देना है। 5 करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको नीचे आना है, मीडिया ब्राउजर फुल स्क्रीन मोड बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। जब आप मीडिया ब्राउजर फुल स्क्रीन मोड को इनेबल कर देंगे तो फ्रेंड्स क्या होगा, जब आप अपनी गैलरी में जाएंगे फ्रेंड्स, जब आप मीडिया पर क्लिक करेंगे या फिर फ्रेंड्स लेयर पर क्लिक करके काइन मास्टर के जाएंगे अपनी गैलरी में, आप यहां पे दोनों साइड देख सकते हैं, मैं दोनों का सेटिंग दिखा रहा हूं फ्रेंड्स। जब आप इसे इनेबल किए रहेंगे तो मीडिया ब्राउजर जो है आपका फुल स्क्रीन मोड में रहेगा फ्रेंड्स, आपका जो गैलरी है वो फुल स्क्रीन में आ जाएगा। जब आप इसे डिसेबल कर देंगे तो फुल स्क्रीन का हट जाएगा, यानी कि फ्रेंड्स हाफ स्क्रीन में आने लग जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स दूसरे नंबर पर ऑडियो ब्राउजर फुल स्क्रीन मोड आता है। जब आप कोई गाना अपनी वीडियो में फिट करने के लिए अपने गैलरी में जाएंगे फ्रेंड्स, सॉन्ग वाले ऑडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक करके, तो आपका जो ऑडियो ब्राउजर है इसे इनेबल करते किए रहेंगे सेटिंग से, तो आपको क्या होगा, वहाँ पर जब गाना लेने जाएंगे आप तो वहाँ पर फुल स्क्रीन में गाना दिखेगा आपको, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अपने गाने को सेलेक्ट करने के लिए, तो इसलिए ये सेटिंग होती है फ्रेंड्स। मैं इसे डिसेबल कर देता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको शॉर्ट प्रोजेक्ट लिस्ट बाई का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे, आपके फ़ोन में भी ये होता है फ्रेंड्स, इसे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप जो फाइल यानी कि जो वीडियो एडिट करेंगे उसे अपनी गैलरी में सेव करेंगे, तो वो किस सीरियल बाई से रहेगा या फिर नहीं आपको सेट करना है। तो सिंपल से फ्रेंड्स मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपको ऐसे ही रहने देना है, कैंसिल कर देना है। फिर आपको यहाँ पर काइन मास्टर फोल्डर, यहाँ पर देख सकते हैं रिकॉर्ड ऑडियो लोकेशन, यानी कि फ्रेंड्स काइन मास्टर के जो रिकॉर्ड ऑडियो लोकेशन है, काइन मास्टर में रिकॉर्ड होता है आपकी वॉइस, आप रिकॉर्ड कर सकते हैं अपनी वॉइस को वीडियो में डालने के लिए, तो उसका लोकेशन कहाँ पे जाएगा, वो ऑडियो जो है उस वो कहाँ पे आपके गैलरी में सेव होगा या फिर कहीं और, काइन मास्टर फोल्डर में सेव होगा या फिर कहीं और। तो दोस्तों आपको इस पर क्लिक करना है, आप इसमें से फिट कर दीजिए, इसे कैंसिल कर देना है फ्रेंड्स। आपको इन तीनों ऑप्शन को कुछ भी नहीं करना है, ये जो ऑप्शन हैं इसमें चारों ऑप्शन को कुछ भी नहीं करना है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आपको सबसे नीचे चले जाना है फ्रेंड्स, सबसे नीचे चले जाना है एडवांस्ड एंड एक्सपेरिमेंटल, यहाँ पे सेटिंग, इस पर सिंपल से क्लिक करना है। लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग ये है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे फ्रेंड्स आपको कुछ भी यहाँ पे नहीं करना है, कोई भी सेटिंग आपको नहीं करना है फ्रेंड्स। यहाँ पे देख सकते हैं अलाउ एक्सपोर्ट फ्रेम रेट अप टू 60 एफ
FPS। फ्रेंड्स इसे जब आप इनेबल करेंगे आपकी जो वीडियो क्वालिटी है बहुत ही इन्फो यानी कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी की हो जाएगी। फ्रेंड्स इसे आपको डिसेबल करके रहना है, यानी कि फ्रेंड्स आपकी जो वीडियो है या फिर पाँच मिनट की वीडियो रहेगी तो वो लगभग 800 MB की हो जाएगी। फ्रेंड्स इतनी 4K वीडियो हो जाएगी इस ऐप में, यानी कि फ्रेंड्स ये जो काइनमास्टर 4.16 वाला है वर्जन है इसमें, और किसी भी काइनमास्टर में नहीं आएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको नीचे चले आना है, आपको इसे इनेबल नहीं करना और किसी को, सबसे नीचे आना है, यहाँ पे देख सकते हैं अनलिमिटेड वीडियो लेयर मोड। फ्रेंड्स ये जो सेटिंग है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है, आप इसे जब इनेबल करेंगे तो एक साइड में देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं इनेबल, जैसे ही मैंने इनेबल करने की कोशिश की यहाँ पे कंटिन्यू NY का ऑप्शन आ गया, NY का ऑप्शन, तो इस पर सिंपल से आपको क्लिक करना है, ये इनेबल हो जाएगा। फ्रेंड्स आप दोनों साइड में देख सकते हैं, एक साइड में आपको दिखाया जा रहा है कि जो अनलिमिटेड वीडियो लेयर है, ये अनलिमिटेड वीडियो लेयर का ऑप्शन है। फ्रेंड्स इस पर जब आप क्लिक करके इसे इनेबल कर देंगे तो जो कितना भी आप लेयर ऐड कर सकते हैं अपनी वीडियो में, वीडियो के ऊपर वीडियो, फोटो उसके ऊपर फोटो, आप कितना भी ऐड करते हुए चले जाइएगा कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, आपकी जो वीडियो है वो भी एक्सपोर्ट हो जाएगी। लेकिन दोस्तों अगर आप इसे डिसेबल कर देते हैं तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती हैं, उसमें पाई हो जाती है फ्रेंड्स, उसमें कोई लकीर आ जाती है, बहुत सारी इसे लकीर आ जाती है, तो इसलिए ये होता है अनलिमिटेड वीडियो लेयर मोड। तो इसको आपको इनेबल करके रखना है, इसे एनालिसिस कर देता है। फ्रेंड्स आप यहां से सिंपल से बैक जाता हूं, आपने देखा मैंने इस वीडियो में बताया कि काइनमास्टर को आप कैसे ओपन कर सकते हैं, कोई भी काइनमास्टर हो ऐसे ही ओपन होगा। फ्रेंड्स काइनमास्टर के बहुत सारे वर्जन हैं, आप किसी को भी यूज कीजिएगा ऐसे ही ओपन होंगे सभी के सभी। उसके बाद फ्रेंड्स आप मैंने इसमें बताया कि आप इसकी फुल सेटिंग कैसे कर सकते हैं अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट करने के लिए या फिर एडिट करने के लिए, मैं सिंपल से यहाँ से बैक जाता हूँ। फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने आपको बताया काइनमास्टर को कैसे आप ओपन करेंगे और काइनमास्टर की फुल सेटिंग बताया। सो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं काइनमास्टर वीडियो एडिटिंग फ्री कोर्स के दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में आए हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी वीडियो एडिटिंग की ट्यूटोरियल जो है वीडियो फ्री कोर्स आप अच्छे से सीख पाएँ, हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।